कोरबा के कोसाबाड़ी दुर्गा पूजा समिति में हुआ कवि सम्मेलन। दशहरा पर्व बीत जाने के बाद भी लोगों में अभी तक नवरात्रि की खुमारी नहीं उतरी है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रावण दहन का कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में कोसाबाड़ी दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव समिति द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कवियों ने कविता पाठ कर देर रात तक लोगों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरेंद्र दुबे, कमलेश शर्मा, इटावा, दिनेश दिग्गज, उज्जैन, मंजीत सरदार, फरीदाबाद, अनु सपन, भोपाल और सुरेश अवस्थी, कानपुर उपस्थित रहे। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि महापौर राजकिशोर प्रसाद, एलरमैन आरिफ खान एवं शहर के अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। स्कीम के आए हैं तुम गुंडा पकड़ो वाले, वो गुंडा पकड़े वाली स्कीम में पकड़ ली सटोरे भाई, हाँ शक भाई, हाँ आधार कार्ड दिखा, हाँ एंटी रोमियो, तो सारे बोला रोमियो बराबर दिखा तेरा भाई, हाँ एक दिन कहा जा रही है योगी आदित्यनाथ इसे काबर करी से, मैं कह योगी आदित्यनाथ के कहना है कि जो सुख हमने नहीं भोगा हम किसी को नहीं भोगने देंगे। उत्तर क्षेत्र से आए आज के रात अंगार शौर्य का कवि है, जो राष्ट्रीय विचारधारा का कवि है, अखंड भारत जो सभी पार्टियों का उद्देश्य है, किसी एक पार्टी का उद्देश्य नहीं है, भारत को अखंड रखना, भारत की स्वतंत्रता को जिंदा रखना, भारत का विकास करना, ये दल कोई भी हो, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि भारत का परचम पूरे विश्व में फहराए, और इस परचम को लेकर आया भाई मेरा कमलेश शर्मा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं।